अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि किचन में मैं नहीं, कोई और है, और खाना तो बन रहा है लेकिन मेरा वेकेशन टाइम चल रहा है। चलिए किचन में चल के देखते हैं खाना कौन बना रहा है। ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि चाउमीन के साथ में और भी कुछ बना रहे हैं। देखते रहेंगे। क्या ट्राइंग टू बी, हमको तो आप बोले ना। चिली चिकन सब मैंने करके रखा हूँ। अच्छा, चिकन मंचूरियन। उसको थोड़ा हम लोग फ्राई करेंगे। हाँ, ओके। इसको थोड़ा ज्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा फ्राई करके फिर निकालेंगे। सेकंड इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कट। आफ्टर दैट ऑल द मिक्सचर्स व्हाट वी हैव मेड ओवर देयर हम लोग इसको मिलाएंगे। देन इट विल बी अ जूसी चिकन मंचूरियन। मंचूरियन पापा, इस पे तो व्हाइट भी रहता है कि जी बेबी? व्हाइट भी तो नहीं रहता है। व्हाइट? हाँ, व्हाइट नहीं रहता है उसके अंदर में। व्हाइट क्या रहता है?
पूरा किचन मेसी हो चुका है, पूरा किचन है ना पापा? पापा क्या पूरा किचन खराब, एकदम खराब हो चुका है ना? कहाँ मेसी हुआ? शो मी दैट, शो मी, वेयर इज इट? ये ब्लेम मत करो किसी चीज की। पापा आप इस मिक्सचर में क्या क्या मिक्स किए हैं मंचूरियन के? मंचूरियन के इस पे जैसे हम लोग मंचूरियन लिए आधा किलो, ठीक है, चिकन बोनलेस पीसेस लिए, उस पे हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट डाले, इट शुड बी मोर देन 3 टीस्पून, यू शुड टेक 4 टीस्पून। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए, उसके बाद हम लोग नमक डाले इस पे, उसके बाद हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर डाले, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे डाले आपका कॉर्नफ्लावर शुड बी 4 टेबल स्पून, उसके साथ हम लोग डाले हैं 3 टीस्पून मैदा, ओके, उसके बाद हम लोग एक एग को लेकर, अंडा को लेकर उसके साथ हम लोग उसको मैरिनेट किए, ओके, मैरिनेट करने के बाद में उसको कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर उसको हम लोग मैरिनेट करने के लिए रख दिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको तेल लिए, इट शुड बी ऑन मीडियम फ्लेम में। अब एक एक करके हम लोग इस चिकन को डाले हैं एंड वी आर फ्राइंग दिस ऑल। देखो अब इसका कलर देखो, गोल्डन एंड ब्राउन हो गया। हाँ, तो इस पे और थोड़ा लेके हम लोग डबल फ्राई नहीं करेंगे, आई हैव डिसाइडेड दैट एक फ्राई में हम लोग इसको निकाल लेंगे, ओके। तो इसको थोड़ा से हम लोग डीप ब्राउन फ्राई कर लेंगे इसको। मैं जैसे ऑनियन को वो एकदम ब्राउन कर देते हैं, नॉट दैट मच बट इसको फिर पकाना भी तो है हम लोग को, जस्ट फॉर द कलर, और उसका अंदर उसको पक जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम में इसको हम लोग पका रहे हैं, ये पक भी जाएगा और इसका साथ में चलाते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना, बिकॉज कहीं कहीं जगह इसका पक जाएगा, कहीं कहीं इसका व्हाइट रह जाएगा, मीन्स नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा, वैसा नहीं रखना है, हम लोगों को पकाते रहना है। ओके, जब पक जाएगा तो क्या करना है? खाना है। अच्छा, खाना है। सो अब हम इसलिए आप लोग को सिखा दे रहे कि आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओ और जब पापा वापस आएंगे तो हम लोग पापा को बना के खिलाएंगे। ब्लेस यू। यहाँ पर इतने दिन बाद मम्मी किचन से बाहर और वहाँ पर पापा किचन के अंदर। मम्मी इतने दिन बाद फ्री होने के बाद अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा। और फिर उसके इतने दिन बाद पापा के हाथ का चाउमीन खाने में? हाँ, हाँ वो बात तो है, नहीं खाते। ये क्या कर रही हो उधर खड़े होके? पापा का असिस्टेंट। नयाब तुम पापा के असिस्टेंट बनी है आज? आयत, अब देखिए इसका कलर, हाउ इज इट? ये गोल्डन ब्राउन पूरा मिक्स हो चुका है। वेरी नाइस, अब अच्छी तरीके से ये पक चुका है जी, ओके। अब हम लोग इसको निकाल देंगे, एक निकाल के इसका तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, इसका तेल एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। अब इसका तेल एब्जॉर्ब होके देखो कैसा क्रिस्पी हुआ है। वाओ, ओके, देखने में अच्छा लग रहा है। पापा के हाथ का खाना बेस्ट होता है, जितना देखने में अच्छा लगता है खाने में भी उतना टेस्टी लगता है। तो प्लीज ट्राई दिस रेसिपी। इसके अंदर से तेल देखिए, वो बबल्स बन रहे हैं और फुट रहे हैं, वो निकलेगा। अब क्या करेंगे जो रेस्ट है ना, अब इसको एक एक पीस लेके उसी तेल पे डाल देंगे, उसी तेल पे हम लोग फ्राई करेंगे। ओके ओके, हाँ बेटा, हाँ उमा, अरे मेरी बेटी मेरे से उमा मांगी है। ये 5 टेबल हो चुका है। पापा, पापा क्या माफी कर सकते हैं?
नॉट नाउ बेटा, आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, उसके बाद आप ही को करना है ये सब। मेरी जितनी बड़ी हो जाओ ना, अभी तुम बहुत छोटी हो। ये पूरा अच्छे से फ्राई होने लगा है यहाँ पर। अब इसको टच नहीं करना है, ठीक है? ओके। ये डालने के बाद में इसको टच नहीं करना है अभी, थोड़ा देर के लिए बाद, एटलीस्ट 1 मिनट, क्योंकि उसका जितना हम जो चिकन का जो मसाला है वो उसके ऊपर उसका लेयर लगे रहना चाहिए, मतलब जैसे इसमें लग के है ना। हाँ, तो इसमें क्या आएगा, तुरंत हम इसको ये कर देंगे, तो चला देंगे हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको तुरंत चला देंगे ना, हाँ। तो मसाला क्या है कि चिकन के ऊपर से निकल जाएगा। ओ ठीक है, और चिकन कच्चा ही रह जाएगा। नहीं, वो तो चिकन सिर्फ ये होगा कि मसाला अलग हो जाएगा ना, तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं रहेगा। सो थैंक यू। तो क्या है कि इसमें मसाला ये करने के लिए थोड़ा देर तक इसको वैसे ही पकाना है। पापा थक गए ना? नहीं, आई एम ओके। हाँ, आई एम ओके। इतने देर तक किचन में खड़े हैं ऐसे, ओके? अपने बच्चों के लिए कुछ भी। ओके। बहुत थर्स्टी है इसलिए एक बोतल पानी खत्म। अब हम लोग इसको चला के देखेंगे। देखिए इसका मसाला जो है हटा नहीं है, राइट? यस। हर चिकन में उसका मसाला स्टिक है। ओके। फ्लेम हाई कर देंगे। जी। आप मेरे को बहुत बचपन में ऐसे उठाए ना पकाते वक्त। अरे बच्चे मेरे को पापा हिला क्या? नहीं, no. नहीं। तो बबल तो आ गए, नहीं जाएगा। नयाब इधर, टेस्टी बनेगा ना? नहीं, ऐसे नहीं करते। चलो इसको गोल्डन ब्राउन होके निकाल के फिर दिखाते हैं हम लोग आपको। पिक्चर पिक्चर इधर पिक्चर देखी जा रही है, पिक्चर पिक्चर इधर पिक्चर देखी जा रही है। तो अब क्या करेंगे हमको? कौन सी पिक्चर है ये? ओके, लेकिन फिर भी मम्मा आराम से बैठे हैं। यहाँ पर मेरा जगह होता था, मैं ऐसी बैठ के ऐसे टीवी देखते थे, आज मम्मी की टर्न आई है। अच्छा ठीक है पापा, देखिए मम्मी क्या बोल रहे हैं। बोल रहे जैसा उनको पसंद है ना मंचूरियन, वैसे बनाने। Thank you.
पानी उठ के नहीं लेता था। आपकी दादी हमेशा बोलती थी कुछ कर ले, कुछ खुद से कर ले। दादी आपको सज्जू बुलाती थी, राइट? मेरा पेट नेम है। निकनेम मेरा भी निकनेम पापा छोटू रखे और आज तक मेरे को वही बुलाते हैं। तो वक्त के साथ आपको ये मतलब आप बनाना सीख गए। बस एक्सपेरिमेंट करना सीखे। एक्सपेरिमेंट में वो हर कुछ बनता है। तो ये प्रोफेशन तो इंजीनियरिंग है, बट हैबिट जो आई है वो कुक वाला। ओके, तो पापा को शेफ बनना चाहिए क्योंकि वो इंजीनियरिंग में काम करते हैं, बट खाना पकाने का जैसे शौक है उनको, टेस्टी बनता है। तो आपको क्या लगता है, आपको शेफ बनने में बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? आई लव माय जॉब, आई लव माय जॉब। देवशीष देवशीष